खबर पिपरिया से। शासन प्रशासन के नियमों के पालन को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते कड़ाई से पालन कराते हुए व यातायात व्यवस्था को बनाने के उद्देश्य से शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाते समय पिपरिया नगर भ्रमण के दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा रोड के किनारे पर फल सब्जी व अन्य वस्तुओं की दुकान लगाने वाले कुछ फुटकर सब्जी फल दुकानदारों के साथ घर जाते मारपीट की गई, जिसके चलते शाम के समय दुकानदार एकत्रित होकर मंगलवारा थाना पिपरिया पहुंचे व मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घर लौटते वक्त उनके साथ वेबिजह बिना कारण एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा मारपीट की गई है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश बंद था व हमें भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है व इसी बात को लेकर 100 के करीब फल सब्जी फुटकर दुकानदार न्याय की लगाने मंगलवारा थाना पिपरिया पहुंचे, जहां पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने थाने पहुंचकर उन लोगों से मौखिक माफी मांगी व अफसोस जताया। साथ ही कहा कि पिपरिया बड़ा शहर है, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। कभी कभी नियम निर्देश नहीं मानने से इनका उल्लंघन करने के कारण लोगों से थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। यह शहर आपका है, यातायात को सुचारू सुगम बनाने के उद्देश्य से नियमों का फॉलो कराना हमारा मकसद है। आप सभी लोग नियम कायदों से चलें, एक निश्चित हद में हमारे बताए अनुसार दुकानें लगाएं, आगे से किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अंत में बिना शिकायत आवेदन दिए समझौता कर सभी फुटकर फल दुकानदार अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। क्या नाम है भैया? क्या मामला हुआ था आपके साथ? ठेला लेके जा रहा था फल का जी, उसमें मेरे को कंचन रेडीमेड के अंदर मारा गया है। विधायक महोदय जी साथ में थे, सभी काफिला आ रहा था उधर से और मैं ठेला फेरी पे लेके जा रहा था, स्थाई नहीं खड़ा था मेरा ठेला और उन विधायक महोदय जी के सामने मारा गया और विधायक महोदय जी ने कुछ बोला ही नहीं। किसने मारा आपको? एसडीएम महोदय जी ने मारा था, मेरा ही डंडा था और मेरे को मारा था और विधायक महोदय जी खड़े थे, उनने कुछ नहीं बोला कि सर उसको नहीं मारी बच्चे को। 60-65 दिन से हम लोग बंद कर रहे थे दुकान, कैसे हमारा पेट भर रहे थे हम जान रहे थे। उसके बाद दुकान अपने पेट पालने के लिए, घर परिवार पालने के लिए हम दुकान लगा रहे थे, 100-200 रुपए कमा रहे थे उसमें चलते फिरते में भी वो मार रहे हैं, वो लोग हमारे को पेट पालने भी नहीं दे रहे। ये क्या है, कहाँ का नियम है आप ये बताइए? या फिर हम घर पे बैठे रहे, आप हमारे लिए उतने पैसे दे दीजिए हमारा घर परिवार पल जाए। आप क्या नाम है भैया आपका? सैफ अली। सैफ अली, क्या मामला हुआ है आपके साथ? किसने मारा ये? क्या सैफ अली, क्या मामला है? ये दुकान लगाया सर, मैं घर लेके जा रहा था दुकान, एसडीएम साहब की गाड़ी रोकी और उतर के मार दिए। कब मारा आपको? 4:30 बजे करीब। क्या करते हैं आप? फल का ठेला लगाते हूँ सर। मैं ठेला कहाँ लगाया था आपने? पेड़ तो कम सब्जी मंडी के सामने। ठेला लगाने की परमिशन नहीं है यहाँ तो, ऐसा बता रहे? जा ही रहा था मैं सर, थोड़ी देर खड़ा हो गया था, ग्राहक आ रहा था मेरा। क्या नाम है आपका? बरकत अली। क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? मैं गल्ले बाजार से, पुराने गल्ले बाजार से घर पे ठेला ले जा रहा था साहब, लोग गाड़ी देखी तो मैंने कहा ये लोग मारेंगे, उतर के जल्दी जल्दी ठेला ले जा रहा था। 4:15 करीब टाइम था तो ये सामने एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे मैंने ठेला लगा दिया। इतने में साहब की गाड़ी आई, उतर के उनने 2-3 बैग मार दिए मेरे को। विकलांग आदमी को? मैं विकलांग आदमी हूँ साहब। पैर से विकलांग, पूरी तरीके से विकलांग है, पूरा बता दो नीचे से। वो पैंट नीचे उतार पूरी फोटो खिंचवा, ये पूरा विकलांग है, इसकी 4.25 इंच हड्डी है ही नहीं जान की। देख लो भैया, तो आपके साथ मारपीट की जा रही थी तो आपने मना नहीं किया साहब? मैंने बताया भी साहब कि मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं से चलते नहीं बनता, ठेला लेके चल रहा हूँ मैं। उसके बाद भी अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट नहीं पालूंगा तो क्या करूंगा साहब, मैं 3 महीने से घर पे बैठा हूँ। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है आपके साथ? मैं ठेला लेके आ रहा था घर को जा रहा था जी, तो सामने फोर व्हीलर खड़ी थी, उनके मार में रुक गया थोड़ा, तो एडीएम साहब आए, उसने उतर के मुझे मार दिया। मैं साहब मैं घर ही आ रहा हूँ, नहीं माने, 2-3 पाइप मार दिए। तो काय की दुकान है आपकी? मैंने खिलौने की। आपके साथ मारपीट की गई तो आपने क्या थाने में क्या किया? यहाँ थाने में
शिकायत वगैरह की क्या आवेदन दिया गया? पर ऐसा ना करें इसलिए कहा, जब गरीब आदमी है, निवेदन करने आए, निवेदन करने आए थे। तो भैया अभी एसडीएम साहब ने क्या समझाई दी ये मारपीट के मामले? मेरे लिए विकलांग के हिसाब से जगह दे रहेंगे ये मंडी के पास, और बाकी फ्रूट वालों से कह रहे हैं कोई पारीवाल गैस के आगे चल जाना, कोई ये गीतांजलि के आगे चल जाना। तो यहाँ पे क्या है साहब, ये फल तो ऐसा है कि यानी जो देखता हो जब भी बिकता है, ऐसे तो बिकता नहीं है फल। और फल कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये तो शौक की चीज़ है। तो अभी आप कहाँ दुकान लगाते थे? अभी हम ये 30-40 साल से तो यही मार्केट मंगलवार बाजार में लगाते थे हम लोग। तो अब आप लोगों से किस जगह जाने के लिए बोल रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहीं लगे दुकानें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके साथ अभी आपका कहना है कि एसडीएम साहब ने मारपीट की थी, तो क्या बोला अभी उनने एसडीएम साहब? सॉरी बोल दिया उन्होंने कि भाई हम समझ नहीं पाए, गलती हो गई है। अरे अब मारपीट नहीं की जाएगी आप लोगों के साथ? मारपीट नहीं करेगी। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।